नमस्कारम। आईबीएस जब बहुत बिगड़ जाता है तब हम क्या करें, क्योंकि लोगों को जिनको आईबीएस नहीं भी है उनको भी डॉक्टर कई बार कहते हैं कि आपको आईबीएस है। मैं नहीं जानता उसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं, या हर चीज़ को वो आईबीएस क्यों कहते हैं, संग्रहणी क्यों कहते हैं, ग्रहणी क्यों कहते हैं। मेरे पास कई केस ऐसे आते हैं और बाद में ठीक भी हो जाते हैं। मैं खुद उनको फिर पूछता हूँ बाद में ठीक होने के बाद, भाई क्यों, अब बता कौन सा आईबीएस है तेरे को। तो वो हंसता है कि नहीं मैं ऐसे ही बस हो गया, गलती हो गई। तो आईबीएस फिर भी किसी को अगर है तो उसकी निशानी मेन यही होती है कि उसको घी नहीं पचेगा, दूध नहीं पचेगा, मीठा नहीं पचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैंने घी खाया तो मुझे थोड़ी बहुत किसी वक्त लूज मोशन आ गई है तो मेरे को आईबीएस है। मैं कम खा के देखूं, अगर फिर भी मुझे इतना सा भी नहीं पचता तब मैं मानूंगा कि मुझे आईबीएस है। और अगर घी से कोई एसिडिटी बन गई है, किसी किसी को बन जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि आईबीएस है। या दूध से अक्सर लोगों को लूज मोशन आ जाती है, तो दूध नहीं पच गया, किसी दिन उसने लूज मोशन कर दिया, तो ये नहीं कि आईबीएस है। आप थोड़ा सा पी के देख ले, चेक कर ले, अगर थोड़ा सा भी नुकसान कर जाता है इसका मतलब आईबीएस है। उसमें आंतों में जो जख्म होते हैं या आंतें कमज़ोर पड़ गई हैं। अब कई लोग कुटज घनवटी लेते हैं, कुटजारिष्ट लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि कुटज घनवटी या कुटजारिष्ट ये आईबीएस के लिए अच्छे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आंतों के जख्म को ठीक तो करेंगे, खून भी आ रहा है अगर लेटर में तो भी ठीक करेंगे, लेकिन ये कुटज घनवटी कुटजारिष्ट आपको आंतों को पुष्ट नहीं करेंगे। आंतों को पुष्ट करेगा तो वो है बिल्वासव, बिल्व से बनने वाला बिल्वासव। अब कई लोग आके यहाँ पे अपनी टांग अटकाते हैं, वो कहते हैं ये बिल्वादी वटी तो मैं खा रहा हूँ, बेल की वटी मैंने खा रहा हूँ, बेल का चूरण मैं ले रहा हूँ, बेल का काढ़ा मैंने लिया है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, प्यार से सुनो, कि बेल का चूरण अलग चीज़ है, बेल का आसव अरिष्ट अलग चीज़ है, बेल की गोली अलग चीज़ है। हर इंसान के शरीर का डील डोल देख के, उसकी पाचन हाजमा और कितनी देर में वो पचा सकता है उसको देख के हम दवाई देते हैं। ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी गोली असर कर जाएगी। तो बिल्वासव जो है ये अपने आप में फर्मेंटेड है, फर्मेंट चीज़ जो होती है वो जल्दी पचती है खुद भी, स्टमक पे लोड नहीं देती, आंतों में जाके आंतों को लाइट करती है, डाइजेशन में हेल्प कर जाती है। साथ ही साथ बिल्वासव का एक फ़ायदा और है, इसमें बेल को, कच्चे बेल को यूज़ किया होता है, उसको बाद में भिगा के महीना फर्मेंट करके उसका फिर काढ़ा बना देते हैं पीने वाली बॉटल। अब वो बिल्वासव क्या करता है, आंतों में कहीं जख्म देखा उसको हील करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है, लाइव बैक्टीरिया, फर्मेंटेड है वो, खमीर है वो, तो वो लाइव बैक्टीरिया उसके पेड़ के अंदर जाके जख्म को ठीक करने लग जाते हैं। दूसरी बात, उसमें कपूर है, वो कपूर भी उसका भी काम यही, जहाँ जख्म देखा, जहाँ पे दांतें कमज़ोर हैं वहाँ लगा करके उसको हील करना। अब बिल्वासव का एक और फ़ायदा होता है, बेल जो है ना आंतों को रिपेयर तो करता है, साथ में आंतों को पुष्ट करता है, मतलब कि आंतों को इस काबिल बनाता है कि वो आंतें खुराक लें, खुराक लेकर के उसको एब्जॉर्ब करें, खुद भी मजबूत हों कि खाना कल को पचाना है। कैसे पचाना है, गोलियां चूर्ण ज़्यादा दे दे करके वो तो आदमी का वेट गिर जाएगा। हर आदमी गोलियां खा के मेरे पास आता है, कहता है जी मैंने आईबीएस की दवाई खाई, आयुर्वेद की, यहाँ से वहाँ से वहाँ से यहाँ से, सब ने एक्सपेरिमेंट करा उस पर, उसका 10-15 किलो वेट घटा दिया, उसकी पहले ही शरीर कमज़ोर था और कमज़ोर हो गया। अब क्या करा जाए, हर इंसान अपने अपने समझ से देता तो उसके भले के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर सारे गलत हो गए, मैं ही सच्चा हो गया, तो ये भी नहीं है। मैं तो आपसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी अपने आप में खुद ही समझ आए, आप खुद ही उन चीज़ों को चूज़ करें। फिर इसके अलावा जब प्रॉब्लम बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर गोलियाँ भी असर नहीं करती, फिर बारी आती है आयुर्वेद में एमरजेंसी मेडिसिन की। एमरजेंसी मेडिसिन कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं रस। रस का मतलब ये नहीं कि जूस या पत्तों का रस निकाल दिया, ये रस नहीं, गलती थोड़ी आपको लगती है कई बार, मैं आपको समझा दूँ बता दूँ। रस का मतलब आयुर्वेद में है जिन दवाइयों को इतना रिफाइन कर दिया गया है और उसमें पारा, शुद्ध पारा, पारा नहीं, शुद्ध पारा, गंधक, ऐसी चीज़ें डाली हैं जो हैं तो जहरीली लेकिन उनको शुद्ध करके डालना है, उनके दोष सारे अलग करके उसको बीच में डालना है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब वो पेट में जब जाएंगे तो पेट में जा करके वो आम खुराक दवाई खाते हो वो पचेगी खाने की तरह, भोजन की तरह। भोजन का तो आपको पता ही है कि भोजन जो खाया पच पच करके उसका बनता है रस,
उसको पूरा फाइनल रस बनने में 5 दिन लगते हैं एक टाइम के भोजन को। धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है शरीर में, वो रस बनने में 5 दिन लगते हैं, फिर उससे बनता है रक्त, मांस, मेद, अस्थि, यानी वो आगे जब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए उसको कितने दिन लग जाते हैं। लेकिन जो ये रस वाली मेडिसिन होती हैं ना, जैसे जिसमें गंधक डली है, पारा डला है, वो दवाइयाँ अगर सही ढंग से किसी को देनी ना आए तो मार सकती हैं, लेकिन अगर देनी आ जाएँ तो वो बचा भी सकती हैं आदमी को। वो दवाइयाँ वैद्य अच्छे की गाइडेंस में लेनी चाहिए। मैं सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको एक टॉपिक पे चर्चा करता हूँ इसी IBS के ऊपर जो हम दवाई देते हैं, कि जैसे मान लो IBS में आते हैं बहुत कमज़ोर हो गई, अब तो दवाई भी सूट नहीं करती, तो फिर उस जगह पे या तो अर्क देंगे थोड़े थोड़े अगर पेशेंट को समझ कम है, जैसे एक बाद्यान का अर्क दे दिया, थोड़ा उसमें गाजवान का अर्क मिला दिया, सुबह दोपहर शाम पी लिया ताकि थोड़ा पेट खड़ा हो जाए, थोड़ा जख्म है पेट में तो जीरे का अर्क ले लिया, जख्म भरता जीरा, फिर उसके साथ रस अगर यूज़ करने आ जाए ऐसे वाले, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो एक रस की एग्जांपल लेता हूँ, उसका नाम है ग्रहणी शार्दूल रस। ग्रहणी मतलब संग्रहणी के सारे रोग, जितने भी IBS के सारे रोग, चाहे वो कब्ज वाली है, चाहे वो जख्मों वाली है, चाहे वो कफ वाली संग्रहणी है, उसमें ये काम आ जाएगा ग्रहणी शार्दूल रस। इसकी एक गोली लेते हैं, उसको पीसते हैं, जीरा लेकर के आधा चम्मच तवे पे भून करके उसको पाउडर करते हैं, उस गोली में मिक्स कर देते हैं पाउडर की हुई गोली में। अब उसमें थोड़ी सी अगर पचती है तो मिश्री डाल लो, नहीं पचती तो शहद डाल लो, वो डाल करके चटा देते हैं। पहले दिन में एक बार चटा देते हैं खाने के घंटे बाद, खाने के आधा घंटा पहले, कभी भी बाद में धीरे धीरे पच जाए तो 2 टाइम दे देते हैं। ये जो है आगे चल करके जो IBS की सीरियस कंडीशन को भी ये ठीक कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये रस जो होते हैं ना, मैं फिर बोल दूं, ये पचेंगे जा करके रस से, भोजन में पच के रस रक्त ऐसे नहीं, सीधे बॉडी में जाएंगे और सीधे जाके रस में मिल जाएंगे आपके, इनको पचने की प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, इतना इनका फ़ायदा होता है। ये हमारे आयुर्वेद की कला है, हमारी डेप्थ है कि हमने किसको क्या औषधि देनी है, ये भी पूरा का पूरा मेंशन होता है, किसको किस चीज़ से देनी है, किसको सुबह देनी है, किसको बाद में देनी खाने के, किसको पहले देनी है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई IBS का पेशेंट, अब IBS की बात कर रहा हूँ तो मैं उसी पे बार बार लूँगा, IBS का पेशेंट आपके पास आया, अगर उसका वेट ठीक ठाक है, हम उसको खाने के आधे घंटे बाद दवाई दे देते हैं कि तो आधे घंटे बाद ले, सूट करती है। अगर वो मोटा है, हम उसको चूरण वाली काढ़े वाली दवाइयाँ ज़्यादा दे देते हैं कि चलो थोड़ा वेट गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। अगर वो पेशेंट दुबला हो गया है, फिर हम उसको खाने के तुरंत बाद मेडिसिन देते हैं, तो उससे धीरे 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 फिर उसका वेट बढ़ता बढ़ता, क्योंकि खाने के तुरंत बाद अगर मेडिसिन दें तो फिर वो वेट बढ़ाती है, चाहे वो किसी तरह की मेडिसिन हो। ज़्यादातर ऐसा कहा गया आयुर्वेद में और होता भी है, बस देने का ढंग है। वो फिर उसको खाने के तुरंत बाद 5-1 मिनट बाद दे देते हैं, उससे फिर धीरे धीरे वापस उसका स्टेबल मोड पर वजन आ जाता है। इस तरह से अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, मोटा है वो, फिर उसको हम खाने के तुरंत पहले दवाई दे देते हैं। ये रूल ज़्यादातर दवाइयों में, हर तरह की दवाइयों में लग जाता है। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा था आपसे ताकि आप, कई लोग मेरे को कह रहे थे आप IBS पे वीडियो नहीं बना रहे, आप उस पे नहीं बना रहे, मैं भी इस तरफ से, मेरे को पता है मैं कसूरवार हूँ, पर फिर भी मेरे पास जितना समय होता है मैं उसी हिसाब से आपको गाइड करता रहता हूँ। हमारे आश्रम में मैंने अभी कोशिश करी है कि हर महीने की 11 तारीख से 14 तारीख और 21 तारीख से 24 तारीख तक मैं रेगुलर खुद रह करके आश्रम में योग कैंप ले रहा हूँ, सुबह शाम ले रहा हूँ। अभी कुछ बिजी था तो मैंने सिर्फ सुबह का ही लिया, अब मैं शाम को भी ले रहा हूँ, ताकि दोनों टाइम आप जहाँ आएँ मैं आपको योग भी कराऊँ, ये चीज़ें भी सिखाऊँ आपको बैठ करके, तो ये चीज़ें तभी कुछ हल हो पाएगा इनका। और मैं अलग अलग शहरों में भी विज़िट कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, कोई फीस भी नहीं ले रहा इससे, कोई ये ना अंदाज़ा लगाया देखो कितने नोट छाप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम सोचो भी मेरे को तो भी कोई फ़र्क नहीं है, पर फिर भी मैं कह दूँ, अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि मेरा इस तरह की मनसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मन में कभी कभी आता है कि मैं भी आयुर्वेदिक जो ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं उनको छपवाऊँ, या मैं भी ऐसे आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स बनवाऊँ जो बड़े बड़े एलोपैथ के इंस्टीट्यूट्स को टक्कर दें। वो सब काम तो पैसे से ही होने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं जा करके किसी व्यक्ति को, मैं हालांकि पर्सनली किसी को जाके बोलता नहीं हम मुझे कुछ दो, फिर भी अगर मैं कहीं अपील करता दिख जाऊँ आपको कि भैया आप मेरे साथ जुड़ो, तन मन धन से सहयोग करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे चोर कह दें या मुझे आप कुछ ऐसा कह दें, कह भी दें, आपका अपनी निजता है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरी मनसा शुद्ध है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरे से, जो लोग लाभ लेना चाहते हैं आपका स्वागत है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ,
और मैंने कोई मैं यहाँ मिलने की कोई फीस भी नहीं है। कई लोग कहते हैं जो आप जैसे लोग मिलते नहीं, फ़ोन ही उठाते हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन में कोई IVR सिस्टम लग जाए जिससे कि कॉल्स बट जाएँ, एक कॉल एक ही टेलीफोन पर लोड पड़ रहा है। फिर भी ये सारे काम धीरे धीरे होंगे और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। अगर आप वाकई सहयोग भी करना चाहते हैं आपका स्वागत है। आप तन से करें, मन से करें, धन से करें, आप किसी तरह करें, ये आपकी खुशी है। नहीं कर सकते आप मेरा सहयोग ले सकते हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है मैं आपके लिए बैठा हूँ। तो ये आज बातें मैंने शेयर करी। आप मुझे नीचे सवाल पूछिएगा क्या क्या कमी रह गई, मैं अगले टॉपिक इसी टॉपिक पे अगली वीडियो जब लूँगा ऐसे खुली डिस्कशन में कर सकता हूँ। मैं कोई बड़ा मज़ा हुआ कोई बुला रहा तो हूँ नहीं कि मैं, कई लोग कहते हैं आप लटकाते हो, आपका ये है वो, ठीक है भाई मेरे को जैसे बोलना आता है मैंने सारा बोल के बता दिया, इसमें मेरा कोई छल कपट नहीं है। आपको अच्छा लगता है, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। कहीं को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है तो ना देखो भैया, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, आप किसी और की वीडियो देख लो। तो मेरे को जिस तरह की परमात्मा ने आवाज़ दी है मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों लोग ऐसे देखे हैं जिनकी आवाज़ जब वो बंद करने पे आता है तो वो बोल नहीं सकते। मेरे को आवाज़ दी हुई है, मुझे मान है उस पर। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कारम।